आइए भेंट करते हैं श्री रामेश्वर निखरा जी से और जानते हैं उनके अनुभव। तीन राज्यों में अभी तक आप घूम के आए, क्या आपको लगा कि नर्मदा की कैसी स्थिति यहाँ मध्य प्रदेश में कैसी है, गुजरात में कैसी है, क्या लगा? कुछ दिन बाद लोग नर्मदा को भूल जाएंगे, जिस ढंग से ये नर्मदा के साथ में अनाचार अत्याचार किया गया, नर्मदा को जीवित तो मान लिया, विधानसभा ने दर्जा दे दिया कि जीवित नदी है, पर उसके मांस को उसके रक्त को रोज मशीनों के माध्यम से निकाला गया। नर्मदा जहाँ जाएंगे वहाँ गड्ढों में परिवर्तित हो गई। यहाँ चले जाइए गुजरात साइड में तो 80 किलोमीटर तक समुद्र आ गया है, क्योंकि बांध बना तो खाली स्थान रह गया, बांध से लेकर समुद्र तक उस समुद्र ने भर दिया, अब और आगे बढ़ रहा है। तो ये बड़ी भारी कहने चाहिए जो, और सबसे बड़ा तकलीफ मुझे ये है कि देश में एक मंदिर बनाने के लिए इतने बड़े झगड़े चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ हजारों मंदिर डुबो डाले, हजारों मंदिर जो 12वीं सदी के बने थे, जो 13वीं सदी के थे, सारे मंदिरों को उनके शिवलिंग जो एकदम से जेसीबी से नहीं हिले उनको काटा गया। ये मैं नहीं कहता, धर्म का बहुत बड़ा टीका लेते हैं, कहाँ गए धर्म के टीके, कहाँ हो गए? एक पूरा नर्मदा किनारे सब जगह जहाँ बांधे वहाँ मंदिर डूब गए, सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर डूब गए, आश्रम डूब गए, नया रास्ता बना, नए रास्ते में अभी कोई कल्चर डेवलप नहीं हुआ, परिक्रमा वासियों के मान का सम्मान का स्वागत का रुकने की व्यवस्था का खाने पीने का। सरकार यहाँ वैसे तो बहुत सारा हनुमंतिया में और सैलानी और ये मैं कौशिक जी आपसे एक अनुरोध जरूर करूँगा, आप हनुमंतिया जाइए, आप हनुमंतिया जाइए, देखिए क्या निजाम। अगर किसानों का पानी रोक करके आपको पर्यटन डेवलप करना है तो कैसे काम चलेगा? नर्मदा की धार को बीच बीच में तोड़ दिया, हर जगह साधु संत महात्मा केवल एक ही बात कह रहे हैं कि इनसे प्रार्थना करिए कि नर्मदा की धार को चलने दे, ये नर्मदा की धार को चलने नहीं दे रहा, इसलिए नर्मदा नर्मदा नहीं रह गई, ये महात्मा कह रहे हैं। वो वेग नहीं रह गया नर्मदा, वेग नहीं, वो रोक देते हैं। कुछ दिन में जितना पानी रोका है वो पानी किसी काम का नहीं रह पाता, रुका हुआ पानी तो किस काम का, वो सारे महात्मा लोग प्रार्थना कर, बिजली बन सकती है रुके हुए पानी से। अरे भाई, विनाश के नाम पे विकास नहीं होना चाहिए। अब सरदार सरोवर प्रकृति का विनाश हो रहा है, सरदार सरोवर की ऊंचाई बढ़ गई पर उससे विनाश कितना। मैं तो कहता हूँ चैनल वाले भाई वही इंदौर भोपाल में बैठ करके, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में बैठ करके ऑफिस चला रहे हैं, ये इनको जाके देखना चाहिए, खुद जाके देखना चाहिए। वहाँ राम रहीम बाबा की स्टोरी चलती है, राम रहीम नर्मदा जी की नहीं, नर्मदा जी की नहीं, और भी सब पूरा देखना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, वहाँ दूसरा चीज चलता है आजकल, इतना मुख्य मुद्दे की बातें कहाँ की जाती है मीडिया में भी, वहाँ तो बस बयान ऐसी है कि क्या आपको सुबह जब उठ के आप सुबह से 8 या 10 बजे से आप निकलते हैं शाम को, इस उम्र में क्या थकान का कैसा क्या अनुभव होता है शाम को? थोड़ा बहुत ऐसा लगता है थकान तो होती है, पर रात को सोते हैं उस सुबह जब चलने को तैयार होते हैं तो थकान नहीं होती। 2019 में कैसे देखते हैं अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए क्या, और पूरी तरह से ये मतलब परिक्रमा खत्म होने के बाद बात की। चलिए ठीक है, इस पूरी परिक्रमा से कहीं ना कहीं आप दोनों मतलब बहुत सीनियर उसमें हैं और
आपने इंदिरा जी का भी वक्त देखा है, आपने राजीव जी का भी वक्त देखा है, सोनिया जी का भी देखा है, और अब राहुल जी का भी आप देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वापस से पार्टी जो है कुछ अपने रूप में लौट पाएगी? देखिए, इस देश की राजनीति का आज़ादी के बाद अगर दशक वाइज देखा जाए, हर 10 साल तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया। 47 से 57 देखा जाए, 57 से 67 देखा जाए, 67 से 77 देखा जाए, इस ढंग से देखते देखते अगर हम आज 2017 देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ जहाँ से हम चले आज से 60 वर्ष पहले, किसी ने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, किसी ने नींव रखी, किसी ने हाँ सब मिलजुल के ही आया है यहाँ से वहाँ, यहाँ तक आ गए। अब जब एक एस्टेब्लिशमेंट बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वो बेटा कहे बाप से कि हमारे बाप दादों ने कुछ नहीं किया, तो ये तो नहीं है, चीज तो है सब ठीक है। ये बात मतलब एक तरह से यूं देखा जाए कि एक ये तरंग जैसा होता है, एक वेव उठती है ऐसी, हर 10 साल में एक परिवर्तन की तरंग उठती है, तो ये आपको अभी गुजरात में भी महसूस हुआ होगा और यहाँ भी आपको ऐसा। असल में मैं कौशिक जी राजनीति की बहुत सी बातें आपसे करना चाहता हूँ, हाँ पर आज मुझसे मत कराइए, आपको पाप पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मेरे मैं भी पाप नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ मेरे गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये आध्यात्मिक यात्रा है, इससे आपने बिल्कुल मुझे जो आपकी बातों से भी और जो अभी मैंने देखा सहजता से आपने मेरे हाथ पकड़ के मुझे लाने में मुझे बहुत आनंद आया कि कहाँ मुझे ये सौभाग्य मिला। धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। तो दोस्तों, ये थे रामेश्वर निखरा जी जो अपनी यात्रा के अनुभव हमें बता रहे थे और किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा करने से बच रहे थे। हम इसी तरह अन्य लोगों से भी आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नर्मदा पूर्ण परिक्रमा लॉजिकल इंडिया पर। टेक केयर।